सुसृष्टि वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी ये होता है कि हर धर्म का अपना अलग कानून है, हिंदुओं का अपना अलग कानून है, मुस्लिमों का अलग पर्सनल लॉ और ईसाइयों का अलग, लेकिन इसके आ जाने के बाद से सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद कुछ लोग इसके पक्ष में आए थे और कुछ लोग विपक्ष में आए थे। विपक्षियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि देश दोहरी व्यवस्था से कैसे चलेगा, जबकि संविधान में सभी के समान अधिकार की बात कही गई है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर यूसीसी है क्या, चर्चा में क्यों है, आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। फिलहाल देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में यूसीसी के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य पर पूरे भारत में यूसीसी लागू करने की दिशा में लॉ कमीशन के प्रस्ताव पर इसके समर्थन और विरोध में दो वर्ग हो गए। एक वर्ग तो वो है जो इसके पक्ष में और दूसरा वो है जो विपक्ष में है, इसका विरोध कर रहा है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, समान नागरिक संहिता भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून की विचारधारा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, संप्रदायों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किया जाए, यानी कि एक देश एक कानून। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य, देखिए, देश के सभी प्रमुख धार्मिक संप्रदाय के सभी व्यक्तिगत कानूनों को जो कि उनके पौराणिक ग्रंथों और प्रथाओं पर आधारित है, उसके बदले सभी नागरिकों के अधिकार नियंत्रित करने वाले एक सामान्य कानून को लागू करना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए, यूसीसी लागू हो जाने के बाद हर धर्म के पर्सनल लॉ को अमान्य कर दिया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के पर्सनल लॉ को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा शादी, तलाक, संपत्ति, गोद के फैसले लिए जाते थे, यानी कि सभी धर्मों के लिए फिर एक ही कानून होगा। देश में आज भी मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अलग पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। आगे बढ़ेंगे, समान नागरिक संहिता की शुरुआत देख लेते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रमुख चर्चा 1985 में शाह बानो केस के साथ हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। इसके बाद से इसकी चर्चाएं तेज हो गई थी। देखिए, दूसरी ओर राजीव गांधी सरकार ने अदालत के फैसले को संसद में एक्ट लाकर पलट दिया था। सरकार ने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने और तलाक मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रभावी बनाने के लिए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 लागू कर दिया। आगे बढ़ेंगे, देखिए, 1947 तक विशेष कर हिंदू महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून में बदलाव किए गए और हिंदू कोड बिल पारित किया गया, जो एक ऐतिहासिक फैसला था। हालांकि समान नागरिक संहिता की मांग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महिला कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी, लेकिन भारी विरोध के कारण अंततः उन्हें इस नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करना पड़ा। आगे बढ़ेंगे, समान नागरिक संहिता का महत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, यानी कि अनुच्छेद 44 के भाग 4 में स्पष्ट रूप से संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, अतः ये सरकार का मौलिक और नैतिक दायित्व है कि वो DPSP को लागू करे और उसके मुताबिक ही कानून का निर्माण करे। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करती है और यूसीसी क्योंकि सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानून को खत्म कर देगा, जिससे धर्मनिरपेक्षता स्थापित हो सकेगी। यूसीसी जेंडर इक्वालिटी को स्थापित करेगा, वो धर्म के नाम पर हो रहे किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करने में सहायक होगा, जिससे समानता स्थापित होगी, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में भी है। आगे बढ़ेंगे, समान नागरिक संहिता के पक्ष में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कुछ बातें कही जा रही हैं। देखिए, यूसीसी का सबसे खास महत्व है कि आज दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की और मलेशिया यूसीसी को लागू कर चुके हैं। नागरिक समानता के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है कि भारत में भी यूसीसी
लागू हो। आगे बढ़ेंगे। आज भी महिलाओं को सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार इत्यादि। इन सब समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए यूसीसी एक अहम और सकारात्मक कदम है। समान नागरिक संहिता से भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। इससे आपसी सद्भाव और एकता बढ़ेगी। लोग खुद को सिर्फ भारतीय के रूप में पहचानेंगे, ना कि केवल मुस्लिम या हिंदू की तरह। जाहिर सी बात है, जब सभी धर्मों के लिए एक ही कानून हो जाएगा, एक देश एक कानून, तो कोई अलग नहीं रह जाएगा। यूसीसी लागू होने से पर्सनल लॉ से जुड़े मुकदमे भी कम होंगे, जिससे अदालतों पर जो अनावश्यक भार है वो भी कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत होगी और देश किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए नई ताकत और शक्ति के साथ उभरेगा। देखिए, समान नागरिक संहिता के विपक्ष में भी कुछ बातें कही जा रही हैं। वो क्या है वो देख लेते हैं। संविधान व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। समान नियमों को संहिताबद्ध करने और इसकी अनिवार्यता से धर्म की स्वतंत्रता का दायरा भी कम हो जाएगा। विभिन्न समुदायों के लोग व्यक्तिगत कानूनों से अलग धर्म निरपेक्ष कानूनों को अपनाने के इच्छुक नहीं है, अतः एक समूह की परंपराओं को दूसरे समूह पर थोपना उचित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हमारे देश की व्यापक विविधता के कारण समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक राज्य से दूसरे राज्य और एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में सांस्कृतिक विविधता पर आधारित व्यक्तिगत कानून के स्थान पर समान नागरिक संहिता को लागू करना आसान नहीं होगा। अल्पसंख्यक यूसीसी को लेकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह से उनकी जो धार्मिक आज़ादी और प्रथाएं हैं वो आहत हो जाएंगी, इसीलिए वो इसके विपक्ष में है। साथ ही संविधान में भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को आज़ादी से पालन करने की छूट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये छूट मिलती है। देखिए आगे की राह। यूसीसी के संदर्भ में सरकार को प्रजातांत्रिक तरीके से इस बिल पर सभी का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सभी के हितों और भावनाओं का ख्याल रखा जा सके, किसी की भी भावनाएं आहत ना हो, किसी को ठेस ना पहुंचे। यूसीसी समय की मांग है और भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, भरण पोषण से संबंधित एक समान कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता देश के विकास और एकता के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में हमें बताएं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।